हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 का बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट चैप्टर का। देखिए इंट्रोडक्शन है, पहले इसको जान लेंगे हम। इंट्रोडक्शन देखिए पॉइंट का, ए पॉइंट हैज एन एग्जैक्ट लोकेशन, इट हैज नो लेंथ नो ब्रेथ एंड नो हाइट। ओके, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे पॉइंट ए दिया हुआ है, इसमें क्या है, नो लेंथ नो ब्रेथ एंड नो हाइट। ओके, इसमें कोई लेंथ नहीं रहता है, कोई ब्रेथ नहीं रहता है, कोई हाइट नहीं रहता है। ये क्या हो गया हमारा पॉइंट ए। ओके, नेक्स्ट है लाइन। ए लाइन इज ए स्ट्रेट पाथ विच एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शंस। ओके, देखिए लाइन में क्या होता है, कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं रहता है। ओके, कोई भी एंड पॉइंट नहीं रहता है, सो इट हैज नो एंड पॉइंट। ओके, देखिए लाइन को कितना भी लंबा खींचा जा सकता है, इसके इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, दोनों तरफ एरो रहता है इसमें। ओके, नेक्स्ट है रे। ए रे हैज वन एंड पॉइंट एंड इट एक्सटेंड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। रे में क्या होता है, वन एंड पॉइंट रहता है और एक एंडलेसली, कोई भी इसका अंत नहीं रहता है, एक तरफ एंडिंग पॉइंट नहीं रहता है और एक तरफ क्या रहेगा, एंड पॉइंट रहेगा। तो ए हमारा क्या हो गया, रे ओ ए। ओके, नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। ए लाइन सेगमेंट इज ए पोर्शन ऑफ लाइन, इट हैज टू एंड पॉइंट, इट हैज ए डिफिनिट लेंथ। देखिए लाइन सेगमेंट क्या होता है, इज ए पोर्शन ऑफ लाइन, लाइन का एक छोटा सा भाग होता है ये, इसे यहां पे देखिए पी क्यू दिया हुआ है, इसमें क्या होता है, इट हैज टू एंड पॉइंट्स, दो एंडिंग पॉइंट रहते हैं इसमें, इट हैज ए डिफिनिट लेंथ। इसमें जो भी देखिए इसमें इसका डिफाइन कर सकते हैं, इसमें कितना लेंथ है इसका। ओके, यहां पे देखिए पी क्यू दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट पी क्यू। ओके, नेक्स्ट है लाइन कैन आल्सो बी नेम्ड बाय यूजिंग द ए सिंगल स्मॉल लेटर ऑफ द अल्फाबेट्स सच एज एल एम एन एक्सेट्रा। ओके, लाइन को देखिए किसी भी स्मॉल लेटर में इसको रिप्रेजेंट कर लिख सकते हैं इसको हम लोग एल एम एन। यहां पे देखिए दिया हुआ है लाइन एल लाइन एम। ओके, द लाइन गिवन हियर कैन बी रीड एज द लाइन एल एंड लाइन एम। यहां पे दिया हुआ है देखिए लाइन एल एंड लाइन एम। ओके, देखिए यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, नेम नाउ आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज रे लाइन और लाइन सेगमेंट। ओके, देखिए यहां पे दिया हुआ है, इसमें कौन सा रे है, कौन सा लाइन है और कौन सा लाइन सेगमेंट है, इसको लिखना है। देखिए इसमें क्या है हमारा, ए में देखिए वन एंड पॉइंट एंड वन एंडलेसली पॉइंट, इसमें एंडिंग पॉइंट नहीं है, देखिए वन एंड पॉइंट है और एक एंड पॉइंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रे, ये क्या हो जाएगा हमारा रे। ओके, नेक्स्ट बी क्वेश्चन, देखिए यहां पे टू एंड पॉइंट है, देखिए दोनों तरफ क्या है, एंड पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा लाइन सेगमेंट, क्या हो जाएगा लाइन सेगमेंट। ओके, नेक्स्ट सी है, देखिए यहां पे दोनों तरफ देखिए एरो है, तो क्या हो जाएगा लाइन में क्या होता है, बोथ डायरेक्शन, दोनों तरफ क्या होता है, एंडिंग पॉइंट नहीं रहता है, तो क्या हो गया हमारा लाइन। ओके, यहां पे क्या हो जाएगा लाइन। यहां पे देखिए डी क्वेश्चन में, यहां देखिए टू एंड पॉइंट दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लाइन सेगमेंट। ओके, नेक्स्ट ई क्वेश्चन, देखिए वन एंड पॉइंट एंड वन एंडलेसली पॉइंट, तो यहां पे देखिए इसका एंडिंग पॉइंट वन है, ये क्या हो जाएगा हमारा रे, ई लिखेंगे रे। ओके, नेक्स्ट एफ क्वेश्चन, देखिए एफ में दिया हुआ है, देखिए दोनों तरफ एरो है, ये हमारा क्या हो जाएगा लाइन, दोनों तरफ एंडिंग पॉइंट नहीं है, दोनों तरफ ये हो जाएगा लाइन। ओके, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, गिव थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स फ्रॉम योर एनवायरमेंट। ओके, देखिए अपने आसपास का एग्जाम्पल देना है कोई लाइन सेगमेंट का। पहला देखिए एग्जाम्पल ये लिखेंगे हम, क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ प्ले ग्राउंड। ओके, लेंथ ऑफ प्ले ग्राउंड, देखिए ये एंडिंग पॉइंट रहता है उसमें, लेंथ ऑफ प्ले ग्राउंड का, तो ये क्या हो गया हमारा लाइन सेगमेंट। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे एड्ज ऑफ टेबल।
टेबल का भी मेजर कर सकते हैं हम, इसका दो एंड पॉइंट रहता है टेबल एड्स का। ओके, सी लिखेंगे लेंथ ऑफ पेंसिल, लेंथ ऑफ पेंसिल। देखिए ये भी मेजर कर सकते हैं इसको, इसमें देखिए यहां पे वन एंड पॉइंट है और एक यहां पे एंड पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लाइन सेगमेंट। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर्स राइट द नेम ऑफ एनी फाइव पॉइंट एंड लाइन सेगमेंट। ओके, देखिए यहां पे फिगर दिया हुआ है ए बी सी, इसमें क्या लिखना है, फाइव पॉइंट्स और फाइव लाइन सेगमेंट लिखना है। कैसे लिखेंगे देखिए, इसको पेपर में करेंगे। देखिए ए में देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच पॉइंट दिया हुआ है, तो यहां पे क्या पूछा है, राइट द नेम ऑफ एनी फाइव पॉइंट्स। फाइव पॉइंट हमारा लिख सकते हैं इसको ए बी सी डी ई, और भी लिख सकते हैं, देखिए फाइव बोला है तो फाइव लिखेंगे, ए बी सी डी ई ये पॉइंट हो गया। एंड लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट में क्या करेंगे, देखिए ए बी पॉइंट हो जाएगा हमारा लाइन सेगमेंट का, ए बी, नेक्स्ट बी सी, ये देखिए लाइन सेगमेंट है ना, बी से सी ये लाइन सेगमेंट है, बी सी सी डी के और ई एफ के, नेक्स्ट जी एच, ये क्या है हमारे लाइन सेगमेंट है। ओके, नेक्स्ट बी क्वेश्चन में देखिए यहां पे दिया हुआ पॉइंट देखिए ई एफ जी एच सी डी। ओके, तो ये क्या करेंगे हम, इसको पॉइंट लिखेंगे पहले, फाइव पॉइंट्स ई एफ जी एच डी, ये फाइव पॉइंट हो गए, इसका क्या लिखना है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कैसे लिखेंगे, देखिए यहां पे क्या क्या है, सी डी डी ई ये दोनों लाइन सेगमेंट हो गए, ई एफ जी एफ लिखेंगे इसको, सी डी डी ई ई एफ जी एफ एच जी, ये हमारे क्या है लाइन सेगमेंट है, एच जी जी एफ, तो ये हो गया हमारे फाइव पॉइंट लाइन सेगमेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए सी क्वेश्चन है, यहां पे देखिए दिया हुआ है पी क्यू आर एस टी ओ। ओके, इसमें फाइव पॉइंट लिखना है, फाइव पॉइंट देखिए दिख रहा है हम लोग को, पी क्यू आर एस टी लिख देंगे, पी क्यू आर एस टी। ओके, ये पॉइंट्स हो गए। एंड लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट में क्या लिखेंगे, देखिए आर एस एस टी क्यू टी पी क्यू एंड पी टी, ये हो गया हमारा फाइव लाइन सेगमेंट। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच। ओके, यहां पे देखिए फिगर दिया हुआ है ए बी सी, इसमें क्या करना है हमको, पूछा है हाउ मेनी लाइन सेगमेंट, इसमें कितने लाइन सेगमेंट हैं वो लिखना है। देखिए इसको काउंट करेंगे, देखिए यहां पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, कितने लाइन सेगमेंट है इसमें, ट्वेल्व। देखिए जो भी एंड पॉइंट, जहां जिस लाइन का एंडिंग पॉइंट आ जाएगा उसको वन गिना जाएगा, ये यहां से यहां तक वन हो गया, ये यहां भी वन हो गया, पूरा काउंट करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा, ट्वेल्व, ये क्या हो गया, ट्वेल्व लाइन सेगमेंट। ओके, नेक्स्ट बी क्वेश्चन में देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, कितने लाइन सेगमेंट है इसमें, सेवन। ओके, नेक्स्ट सी क्वेश्चन देखिए, यहां पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कितने लाइन सेगमेंट है इसमें, सिक्स। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, नेम द लाइंस इन द गिवन फिगर। ओके, देखिए लाइन का नाम लिखना है यहां पे, कि फर्स्ट ए दिया हुआ है पी क्यू, इसका नाम क्या हो जाएगा, लाइन पी क्यू। ओके, देखिए इसका नाम खाली लिखना है हमको, पी क्यू दिया हुआ है तो लाइन पी क्यू। ओके, नेक्स्ट यहां पे देखिए बी में दिया हुआ है लाइन लाइन आर। ओके, नेक्स्ट ये सी में देखिए क्या दिया हुआ है, ये देखिए एल और एम, लाइन एल दिया हुआ है और लाइन एम लिखेंगे,
लाइन एल लाइन एम। ओके नेक्स्ट डी क्वेश्चन में देखिए, लाइन ए डी एंड लाइन बी सी, लाइन ए डी एंड लाइन बी सी। ओके नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन है, ड्रॉ ए लाइन इन योर नोटबुक एंड नेम इट बाय। ओके फर्स्ट दिया हुआ है यूजिंग सिंगल स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट। देखिए एक लाइन खींचना है, उसमें क्या बोला है, यूजिंग सिंगल स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट। तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए हम यह लिख देंगे, ये हो गया हमारा लाइन एल। ओके नेक्स्ट सेकेंड दिया हुआ है, टेकिंग टू पॉइंट्स ऑन इट। ओके देखिए लाइन खींचा हुआ है, इसमें टू पॉइंट इसमें दे लेना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए बी, ये हमारा क्या हो गया, दो पॉइंट हो गए। ओके देखिए ये इंट्रोडक्शन का यहां तक खत्म हो गया है, आगे का वर्कशीट 1 अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।